खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। हिंदू धर्म में त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। बात अगर नवरात्रि की करें तो इस पावन पर्व को लेकर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। नवरात्रि के इस पावन दिन में हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका ये नाम पड़ा था। शिव के माथे पर अर्धचंद्रमा इस बात का साक्षी माना जाता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ की पूजा करने से माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथों में खटक बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। माँ का वाहन सिंह है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। माँ की पूजा करने से वीरता निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। माँ की पूजा से मुख नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल इतना ही। माता रानी आप सब पर असीम कृपा बनाए रखें। नमस्कार।